a father. He loves, cares, and struggles hard to make our days better and brighter. Everything he does for us is what only a superhero can do. And today's video is dedicated to that superhero. Hello everyone, welcome back to Purely Handmade Crafts. आज हम बनाएंगे 3 DIY gifts fathers के लिए using discarded items. अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा and please subscribe to my channel. मैंने एक पुराना वॉच केस लिया है. नेक्स्ट मैंने 2 टेबलस्पून वॉल पुट्टी में 1 टेबलस्पून ग्लू, 1 टेबलस्पून वाइट एक्रेलिक कलर और थोड़ा सा वाटर ऐड करके एक पेस्ट रेडी किया है. इससे हम अपने बॉक्स को पूरी तरह से कवर करेंगे. पेस्ट के सूखने के बाद हम इसे अपनी चॉइस के किसी भी एक्रेलिक कलर से पेंट करेंगे. यहाँ मैंने एक पेपर पे एक कोट लिखा है. आप अपनी चॉइस का कोई भी कोट लिख सकते हैं. इसे अब हम वाइट कार्बन पेपर की हेल्प से ट्रेस कर लेंगे. अब हम उस कोट पे वाइट एक्रेलिक कलर और 0 नंबर ब्रश की हेल्प से पेंट करेंगे. इसके ड्राई होने के बाद हमें अप्लाई करना है वार्निश. एंड आवर वॉच केस इज रेडी. इस तरह से आप इजीली किसी भी पुराने वॉच केस को रिवैम्प कर सकते हैं. अगर वॉच केस ना हो तो आप किसी भी नॉर्मल बॉक्स को एक क्यूट से वॉच केस में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बनाएंगे एक पेन स्टैंड. मैंने यूज किया है एक सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड बॉक्स. आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी तरह का बॉक्स जो आपके पास अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं. मैंने इसे सेम पेस्ट से कवर कर लिया है जो हमने फर्स्ट DIY में यूज किया था. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले. आपको इसके दोनों पार्ट्स को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है. अब मैंने एक प्लास्टिक शीट पे थोड़ा सा टैल्कम पाउडर स्प्रिंकल किया है. हमें क्ले को किसी भी सिलेंड्रिकल चीज से रोल करना है और इसे एक टाई का शेप कट करना है. अब इसे हम ग्लू की हेल्प से अपने बॉक्स पे स्टिक कर देंगे. अब मैंने क्ले से 2 ट्रायंगल्स कट करके उनसे शर्ट के कॉलर्स बनाए हैं. अब हमने क्ले की हेल्प से उसी तरह से ब्लेजर और कॉलर बनाना है. यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक स्टेथोस्कोप. सेम उसी तरह से हमने ब्लेजर का दूसरा साइड भी रेडी कर लिया है. ये गिफ्ट मैं अपने किड्स की तरफ से अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं, तो इसीलिए मैं स्टेथोस्कोप ऐड कर रही हूँ. अदरवाइज आप इसके बिना भी बना सकते हैं.
यहाँ मैंने ऐड किए हैं 2 पेन्स और एक पॉकेट एंड लास्ट में 2 बटन्स। इसके कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद हम इसे एक्रेलिक कलर्स की हेल्प से पेंट कर लेंगे। When the paint is completely dry, apply a layer of varnish and your personalized pen stand is ready. For our last gift, we need 2 cardboard pieces of same size and a rope. हमें इस तरह से रोप को सेंटर में रखते हुए दोनों पीसेस को आपस में स्टिक करना है। अब हम मास्किंग टेप या फिर किसी भी तरह के पेपर की हेल्प से एजेस को सील करेंगे। नाउ वील अप्लाई द सेम पेस्ट ऑन बोथ साइड। पेस्ट के पूरी तरह ड्राई होने के बाद हम इस पे एक्रेलिक कलर अप्लाई करेंगे। मैंने पेपर पे एक ड्राइंग ड्रॉ की है, ऐसी ड्राइंग आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगी। इस ड्राइंग को हम अपने बेस पे ट्रेस करेंगे। अब हम एक्रेलिक कलर्स की हेल्प से अपने ड्राइंग में पेंट करेंगे। ड्रॉइंग के साइड में मैंने लिखा है वॉल्स बेस्ट डैट, जिसे मैं परमानेंट मार्कर की हेल्प से पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश और कलर का भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में हम परमानेंट मार्कर की हेल्प से ड्राइंग को आउटलाइन कर देंगे। बाद में हम अप्लाई करेंगे अ लेयर ऑफ वार्निश एंड आवर क्यूट वॉल हैंगिंग इज रेडी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज डू लेट मी नो कि आपको कौन सा गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।